नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग पेन ड्राइव खरीदने अगर जा रहे हैं या आप ले चुके हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, या फिर आपको हो सकती है कि हमें आखिर कौन सी पेन ड्राइव लेना चाहिए, किस कंपनी की लेना चाहिए, ये आपको कन्फ्यूजन रहता है। और आप अमेजोन फ्लिपकार्ट या मार्केट में जाते हैं और आपने कहा कि भैया मुझे 32 GB, 64 GB या 16 GB जितनी की भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से पेन ड्राइव खरीदते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये पेन ड्राइव चाहिए। तो होता क्या दोस्तों, सामने वाले बंदे के पास जो भी पेन ड्राइव होती है वो आपको दे देते हैं और आप लेकर आ जाते हैं कि भैया 64 GB की मैं ले आया हूँ या 32 जितनी जीबी की भी आप लेकर आए हो, और यूज करना चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता लगता है कि उस पेन ड्राइव में क्या समस्या थी और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी उस पेन ड्राइव को लेकर। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि हमें कौन सी पेन ड्राइव लेना चाहिए और किस कौन सी पेन ड्राइव किस रेट में अवेलेबल है और कौन सी बेस्ट है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सर्च करते हैं दोस्तों अमेजोन फ्लिपकार्ट या कोई सी भी वेबसाइट, उस पर आप देखते हैं कि एक ही कंपनी की पेन ड्राइव अलग अलग रेटों में मिलती है। आप सोचते हैं यार मुझे तो 64 GB चाहिए, ये तो कम की मिल रही है, 32 GB चाहिए मान लीजिए, ये मुझे इसी कंपनी की ये 350 रुपये की मिल रही है और उसी कंपनी की 450 की भी है, 450 की भी है, 500 की है, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? सभी लोगों को नहीं होता पता, उन्हें तो मेमोरी से मतलब रहता है कि पेन ड्राइव में हमारी मेमोरी की इतनी ज़रूरत है, जैसे कि 32 GB की ज़रूरत है तो भैया हमने 32 GB लेना चाहते हैं। हम तो ये देखते हैं कि हमारे पैसे कहाँ का कैसे बच सकते हैं और कौन सी पेन ड्राइव हम ले लें, बस इतना से लोग जानते हैं कि हमारे पैसे बच रहे हैं, वो थोड़ा अच्छा मॉडल होगा इसलिए कंपनी थोड़ी महंगी रेट में दे रही है। जबकि दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल भी गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों पेन ड्राइव लेने से पहले आपको एक पेन ड्राइव की बेसिक रूल समझ लेने चाहिए कि आखिर पेन ड्राइव हम किस काम के लिए लेते हैं। तो वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेन ड्राइव किस काम के लिए ले रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पेन ड्राइव में कोई शादी वगैरह की वीडियो वगैरह डालते हैं या फिर आप परमानेंट कोई एक चीज डाल के रखना चाहते हैं तो कोई सी भी सस्ती पेन ड्राइव उठा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और अगर आपका यूज पेन ड्राइव का बार बार कॉपी पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट करना ये लगातार बना रहता है आपकी पेन ड्राइव पर, तो आपको सोच समझ कर ही लेना पड़ सकती है पेन ड्राइव। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि पेन ड्राइव आखिर कितने प्रकार की आती है। तो दोस्तों यहां पर आप फोटो में देख रहे होंगे कि पेन ड्राइव की मैंने फोटो लगा रखी है, तीन कंपनी एक ही है, सैनडिस्क। तो यहां पर देखिए 330 रुपए लगभग रेट डली हुई है सबसे ऊपर, नीचे रेट डली है 400 रुपए के आसपास और सबसे नीचे डली है 459 यानी 450 के आसपास, 32 GB की है। तो कौन सी परचेस करना चाहेंगे आप? अगर रेट के मामले में आप देखोगे तो भैया वो सोचोगे आप कि मुझे तो 32 चाहिए थी, मैं तो ऊपर वाली ही ले लूंगा, क्यों पैसे ज्यादा खत्म करूं इतने। तो दोस्तों तीनों में डिफरेंस ये है, आप यहां पर देख रहे होंगे तीनों में डिफरेंस केवल इतना सा है कि सबसे ऊपर जो सबसे सस्ती है वो 2.0 है, उसके नीचे आप आ जाएंगे तो 3.0 है, सबसे लास्ट में देखेंगे तो 3.1 पेन ड्राइव है। अब आपको ये चीजें नंबर तो आपको पता नहीं रहता कि आखिर ये नंबर किस चीज के हैं। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी बढ़ती चल रही है, नई जनरेशन आती चल रही है, इसी तरह से पेन ड्राइव की भी जनरेशन बदल चुकी है और जो पेन ड्राइव स्लो चलती थी आज वो फास्ट चलना चालू हो चुकी हैं। तो अगर हम बात करें 2.0 जो सबसे ऊपर पेन ड्राइव है जो कि सबसे सस्ती है, अगर आप कोई ऐसा डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं जो बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एक बार कॉपी कर दिया और बात खत्म हो गई, तो आपको सबसे सस्ती पेन ड्राइव लेना चाहिए 2.0। अगर आप बार बार डाटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको 3.0 या 3.1 लेना चाहिए। अब तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि जो 2.0 है वो 480 Mbps स्पीड के हिसाब से जो ऑफिशियल डाटा है जो कंपनी का दावा रहता है
उस हिसाब से बता रहे हैं 480 Mbps के हिसाब से डाटा ट्रांसफर करती है, और जो 3.0 है वो 4800 Mbps के हिसाब से डाटा ट्रांसफर करती है, और 3.1 के बारे में बात करें तो लगभग 10000 Mbps के हिसाब से चलती है ये पेन ड्राइव। अब आपके सिस्टम कौन सा है और क्या वो सिस्टम में वर्क करेगी पेन ड्राइव, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो 2.0 पेन ड्राइव है तो वो ऐसी पेन ड्राइव है दोस्तों जो हर जगह काम करती है। आपके पास किसी भी तरह की डिवाइस हो, या सेट टॉप बॉक्स हो, टीवी हो, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, जो भी हो जिसमें भी पेन ड्राइव लगाना हो 2.0 वर्क करेगी, क्योंकि बहुत ही ओल्ड वर्जन वाली पेन ड्राइव होती है जी हमारी, जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। तो 2.0 हम यूज करेंगे किसी भी डिवाइस में तो वो आसानी से वर्क कर जाएगी, लेकिन समस्या क्या है स्पीड की दोस्तों। अब बात करते हैं कि 3.0 वर्क कर जाएगी स्पीड में, बहुत सी डिवाइसों में वर्क नहीं भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर 90% डिवाइस में जितने तक मैंने चेक किया है 3.0 ज़्यादातर सभी टीवी में, सेट टॉप बॉक्स, मोबाइल सभी में वर्क कर रही है 3.0 भी। अब बात करते हैं 3.1। 3.1 दोस्तों बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वर्क नहीं कर रही है, एंड्रॉइड डिवाइस में वर्क कर जाती है, एंड्रॉइड टीवी में वर्क कर जाती है, पीसी में वर्क कर जाती है, लैपटॉप में वर्क कर जाती है, लेकिन और सारी जो डिवाइस हैं उनमें वर्क नहीं कर रही है 3.1 रही। अब बात करते हैं हमारे पीसी की, कि हमारे पीसी में क्या होता है कि पेन ड्राइव लगती है, हमारे सेट टॉप बॉक्स में या टीवी में पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें कलर से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आखिर इसमें स्पीड मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ब्लू कलर छोड़कर कोई सा भी कलर हो, वाइट हो या ब्लैक हो, तो समझ लेना कि उसमें 2.0 ही वर्क करेगी, लेकिन वर्क करने को तो 3.0 भी वर्क कर जाएगी और 3.1 भी वर्क कर जाएगी, लेकिन अगर उसमें पोर्ट ब्लैक वाइट वगैरह है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो स्पीड उसकी 2.0 ही बराबर आएगी, चाहे आप कोई सी भी पेन ड्राइव यूज करें। हमारे ऐसा ही लैपटॉप और पीसी में रहता है कि हमारे ओल्ड पीसी में हमने देखा है कि 2.0 ही पोर्ट रहता है ब्लैक कलर से जिसको दर्शाया जाता है, और लेटेस्ट हमारे लैपटॉप या फिर लेटेस्ट जो डिवाइसें आ रही हैं उनमें 3.0 का अलग से पोर्ट दिया जाता है जो कि ब्लू कलर से दिखाया जाता है। अगर आपकी पेन ड्राइव लगाने का जो है पीसी में जहाँ पर लगाते हैं यूएसबी, तो अगर आपका यूएसबी पोर्ट ब्लू कलर का है तो सीधे सीधे समझ जाना कि आपका 3.0 पोर्ट है और उसमें आप फुल स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी पेन ड्राइव लेना चाहिए और आपके लिए कौन सी बेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों कभी ना कभी हम डाटा, ऐसा थोड़ी है कि डाटा हमने एक बार स्टोर कर दिया तो वो परमानेंट हो गया, कभी ना कभी हम उसको यूज करेंगे जरूर। डाटा ट्रांसफर करते रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि 3.0 ही पेन ड्राइव बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जहां तक जितनी भी यूज की हैं तीनों प्रकार की पेन ड्राइव, तो उन तीनों पेन ड्राइव में मैंने देखा है कि 3.0 वाली पेन ड्राइव जो होती है वो फुल वर्किंग में है हर डिवाइस में। आपको 2.0 नहीं लेना है और 3.1 भी नहीं लेना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 3.0 ही पेन ड्राइव लें, वो स्पीड में अच्छी भी चलती है और साथ में सभी जगह वर्क भी कर जाती है, कॉम्पिटेबल रहती है सभी जगह। अब दुनियादारी की ऑफिशियल बातें तो दोस्तों बहुत हो गई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और एक राज की बात और मैं बताने जा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है, जब तक आप सब्सक्राइब लाइक तो बनता है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हमें ये इतनी बातें हम समझ चुके हैं, लेकिन हमने ले ली चलो 3.0, क्या रियल में स्पीड मिलती है। तो रियलिटी की बात करें दोस्तों तो 480 2.0 में आज तक नहीं मिली, बनाने वाले कंपनियों ने दावा किया और तमाम कंपनी भी अब लिखना चालू कर दिया है कंपनी ने कि भैया इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन जब बनी थी पेन ड्राइव उस समय तो यही किया गया था और आज भी ऑफिशियल यही है।
अब बात करते हैं 3.0 की, जो स्पीड दी गई यहाँ 2.0 से ज़्यादा मिल जाती। आज अगर हम कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो लगभग डाटा ट्रांसफ़र करते टाइम हमें 10 Mbps या 20 की हमें 2.0 में मिल जाती है, और लगभग 3.0 में हमें 50 या 100 के बीच में Mbps मिल जाती है, जो आज की तारीख में रेल डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड में बता रहा हूँ, रेल है ये। और 3.1 में इससे थोड़ी प्लस मिल जाती है 3.0 से, जे रियलिटी है दोस्तों असली में। अब आपको कौन सी पेन ड्राइव लेना चाहिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ।